हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप ठीक ही होंगे। आज हम फार्म में जीरो की खेती करने वाले हैं और आपको मैं दिखाऊंगी कैसे करते हैं। और हम भी पहली बार कर रहे हैं, इसलिए आपको दिखाएंगे हम। इसको चनिया बोरे कहते हैं और जिसने खाए होंगे उसको पता होगा, इसको बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ये, छोटे से होते हैं। हमारे गांव के आसपास बहुत ज़्यादा है ये। अब ट्रैक्टर से पाड़े क्यारी करेंगे और इसमें जीरू की खेती करेंगे। और कैसे पाड़े करते हैं वो आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा चलाते हैं ट्रैक्टर और भाई पीछे खड़ा होगा, क्योंकि उस पर वजन चाहिए, क्योंकि पाड़ा बहुत अच्छे बनते हैं, इसीलिए इसको दांती बोलते हैं। उस चीज़ से पाड़ा बनाते हैं। चलो आपको दिखाती हूँ पीछे पीछे जाकर कैसे बनते हैं, आप देखो। प्लीज़ आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और मैं आगे भी विलेज लाइफ दिखाऊंगी और कैसे हम खेती करते हैं, क्या क्या हम पाक की खेती करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना हम फार्मर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा हम खेत में वाल की खेती और ये हमने मैंगो ट्री लगाए उसी की हम खेती करते हैं। और हम इस बार हमने एरेंडा भी किया है, दिवेला बोलते हैं उसको, वो भी हमने इस बार खेती की है। और हमने जीरू की खेती भी पहली बार कर रहे हैं। का वज़न कम हो रहा था इसलिए हम बदल देते हैं इसको और दूसरा रखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वज़न है इसीलिए पाड़े सीधे नहीं हो रहे हैं। अब बराबर हो गए, अब बदल दिया है तो अब बराबर होंगे। चलो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ पाड़े कैसे हुए, और मैं अभी काम करती हूँ। यहाँ पे पाड़े हो गए
और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंगो ट्री नहीं है क्योंकि यहाँ सूख गए उसके पौधे, इसलिए यहाँ हम उगाएंगे मैंगो ट्री के पौधे। अब मैं और पापा यहाँ पे ढाड़िया बनाएंगे, उसको ढाड़िया बोलते हैं, जब जहाँ से पानी आता है हम खेतों में, वहाँ का ढाड़िया हम बनाएंगे, उसे गुजराती में ढाड़िया कहते हैं। मैं पीछे खड़ी हूँ क्योंकि ऊपर वजन चाहिए, इसलिए मैं अभी पीछे खड़ी हूँ। यहाँ पे सेटिंग नहीं हो रहा था इसीलिए हम सेटिंग कर रहे हैं और बाद में हम लगाएंगे ढाड़िया। हम देख रहे हैं कैसा हुआ है और अभी भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए फिर से हम सेटिंग करके अच्छा बनाएंगे। अभी भी सेटिंग नहीं हो रहा है, हम फिर से वहाँ से ही हम ढाड़िया बनाएंगे क्योंकि जब पानी आएगा तब वहाँ से सीधा चला आए, वहाँ कोई रुकावट ना आए, इसीलिए हम फिर से करेंगे थोड़ा सा पीछे लेकर, ट्रैक्टर को पीछे लेकर। क्योंकि बाजू में मैंगो ट्री है इसीलिए भी ये सेटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम पास से चलाते तो मैंगो ट्री को नुकसान हो सकता था, इसीलिए हमने बहुत सावधानी से सेटिंग कर दी हमने। मम्मी देखने के लिए आए हैं कि कैसा हो रहा है ढाड़िया, पीछे से देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि अच्छा बन रहा है।
ये पाड़े सब हाथों से ही सीधे करने पड़ते हैं, और ये सब पानी लेवल में आए इसीलिए ये सब हाथों से करना पड़ता है। आप देखिए पापा हाथ से कैसे करते हैं, आप देखो। पापा जीरू छांट रहे हैं, अब जीरू चूपते ही भी है और छंटकार भी करते हैं। छंटकार करते हैं तो बहुत ज़्यादा घना उगता है, इसीलिए हम छंट के जीरू की खेती करने वाले हैं। चलो आप देखिए कैसे छंटकार करते हैं हम। देख सकते हैं ये बोर बोर बोलते, वो मैंने चढ़िए बोरे दिखाए थे वैसे, उसकी ये डाली है तो ये ऐसे लेकर जाते हैं। तो जीरू छांट के हमने ये तैयार किया है, उसके ऊपर ये रेत चढ़ा देती है तो रेत के साथ मिक्स हो जाती है, और ऐसे पूरे खेत में करना पड़ता है। तो भाई आज हमें हेल्प कराने आके ले आए, आप देख सकते हो कैसे मिक्स हो रहा है। इसके ऊपर से ले जाना होता है तो रेत और जीरू मिक्स हो जाता है। ऐसे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब भी पहला पानी दे हम खेत में तब जीरू तैर के पीछे ना चला जाए, इसलिए रेत के साथ मिक्स करना पड़ता है इसको। आप देख सकते हो
ऐसे करते हैं हम। यहाँ हम मूली उगाने वाले हैं, क्यों मम्मी यहाँ पे बीज डाल रही है ज़मीन में। एक लाइन करेंगे हम मूली की। हम सब वेजिटेबल सब यहाँ फार्म में उगाते हैं, हमको खरीदना कम पड़ता है क्योंकि हम सब यहाँ उगाते हैं। धनिया मेथी और सब गाजर यहाँ हमने सब उगाए हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हम हमारी खेत में करते हैं और क्या करने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगे आप सबको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे वीडियो को। हम फार्मर्स को सपोर्ट करते रहना इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।